नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में। मित्रों, आज एक अलग विषय लेकर आपके सामने आया हूँ। वो विषय है कि केतु की महादशा कैसी होती है। अक्सर लोगों में ऐसा विश्वास रहता है कि उनकी केतु की महादशा कैसी चलेगी, अच्छी होगी या बुरी होगी। मैं बता दूं मित्रों, राहु की भांति केतु भी छाया ग्रह है। उच्च राशि का स्वस्थानस्थ तथा शुभ ग्रहों द्वारा दृष्ट या युत होकर केतु कुंडली में केंद्र अथवा त्रिकोण में स्थित हो तो जातक में आत्मविश्वास बढ़ जाता है। वो साहसी ही नहीं दुर्साहसी बन जाता है। उसके बिगड़े कार्य बनने लगते हैं और मानसिक चिंताओं का अंत हो जाता है। उसे शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है तथा सत्ता में उसका सम्मान बढ़ता है। वो नगरपालिका अथवा ग्राम सभा का सदस्य बनता है। यदि केतु राज्यकृत ग्रहों से संबंधित हो तो जातक का विशेष तौर पर पदोन्नति होती है। तृतीय भाव में स्थित केतु भाग्य वृद्धि में सहायक होता है। लाभ स्थान में हो तो जातक के शत्रु नष्ट हो जाते हैं। मित्रों, बता दूँ, शुभ केतु की दशा में जातक गुप्त विद्याओं को सीखने का इच्छा करता है तथा क्रूर कर्मों की ओर अधिक रुचि रखता है। धर्मशास्त्रों पर वाद विवाद करने का प्रयत्न करता है। यह दूसरी बात है कि धर्मशास्त्रों के कर्म को वो नहीं समझता। शुभ स्थानस्थ केतु व्यय भाव में मार्केट से संबंध करे तो जातक को मृत्यु के पश्चात मोक्ष प्राप्ति होती है। यह सर्वमान्य तथ्य है कि राहु की अपेक्षा केतु की दशा शुभ फलदायक होती है, लेकिन इस दशा काल में किए गए कर्मों के लिए जातक पश्चाताप भी अवश्य करता है। मित्रों, यदि केतु नीच राशि का पाप राशि का पापी ग्रहों के साथ अथवा पापी ग्रहों से दृष्ट होकर अनिष्ट भावों में स्थित हो तो केतु की दशा काल में जातक अनेक कष्ट भोगता है। जातक के प्रत्येक कार्य में विघ्न बाधाएं आती है। जीविका के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ता है। दैहिक कष्ट इतने मिलते हैं कि जातक जीवन की अपेक्षा मृत्यु को वरण करना अधिक अच्छा समझता है। जातक जिन्हें अपना मित्र समझता है वे ही उसे धोखा देते हैं। जातक के विषय में अपने वर्ग और समाज में अपवाद फैलते हैं। पागल कुत्ते के काटने से उसकी मृत्यु तक हो सकती है। व्यसनों में फंसकर वो अपने शरीर को क्षीण कर लेता है तथा व्यापार में हानि उठानी पड़ती है। गुरु ब्राह्मणों से द्वेष रखता है, अधर्म को ही धर्म मान लेता है। यदि केतु सूर्य से पीड़ित हो तो जातक के शरीर के उसी अंग की हड्डी टूट जाती है जिस राशि में केतु स्थित हो। केतु की पाप दशा में जातक को त्वचा के रोग, फोड़े फुंसी, खुजली, रक्त विकार, ज्वार, हड्डियों के रोग, कांस, श्वास और क्षय रोग होने की संभावना रहती है। धन्यवाद मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा